दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग शमशेर बहादुर सिंह की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। आप सभी को बता दूं, इससे पूर्व भी मैं शमशेर बहादुर सिंह पर एक वीडियो बना चुका हूं, जिस पे मैंने शमशेर बहादुर सिंह की कविता घिर गया समय का रथ को व्याख्यित किया है। अगर आपके सिलेबस में शमशेर बहादुर सिंह की वो कविता घिर गया समय का रथ संकलित है, जो कि होती है, तो आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। उस कविता को मैंने व्याख्यित किया है, सप्रसंग व्याख्या लिखाया है, आपको समझाने के साथ साथ उसका लिखित रूप भी प्रदान कराया है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग शमशेर बहादुर सिंह की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, तो चलिए आज के विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसपी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में आप लिखिए, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म सन 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, नई कविता या फिर कह सकते हैं कि समकालीन कविता के जाने माने रचनाकार या फिर कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह को बिंब धर्मी कवि के रूप में भी जाना जाता है। वे उर्दू और हिंदी के दोआब कवि हैं। कहने का तात्पर्य कि उर्दू हिंदी भाषा के बीच के कवि हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उनकी कविताओं में उर्दू हिंदी दोनों ही मिश्रित भाषा आप देख सकते हैं। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील कवि थे शमशेर बहादुर सिंह, परंतु शिल्प के स्तर पर प्रयोग मार्गी कवि थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून से ही किया, पश्चात बीए तथा एमए के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गए, वहां से उन्होंने बीए और एमए का डिग्री हासिल किया। शमशेर जी ने रूफाब नामक पत्रिका में सहायक के रूप में भी कार्य किया। इन्होंने उर्दू हिंदी कोर्स का संपादन भी किया। शमशेर बहादुर सिंह प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं तथा उनकी कविताओं में जीवन के राग विराग के अतिरिक्त समकालीन सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का कलात्मक चित्रण भी हमें देखने को मिलता है। शिल्प गठन में उनकी भूमिका अहम रही है। इनको इनकी लेखनी के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार, कबीर पुरस्कार आदि जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनकी कुछ प्रमुख काव्य रचनाएं इस प्रकार है, बात बोलेगी, घिर गया समय का रथ, काल तुझसे होड़ है मेरी, कुछ कविताएं, कुछ और कविता, इतने पास अपने, चुका भी नहीं हूं मैं आदि। शमशेर बहादुर सिंह दूसरा सप्तक के प्रमुख कवियों में से एक थे। दूसरा सप्तक मतलब अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के ये प्रमुख कवियों में से एक थे। इनकी मृत्यु जो है वो 12 मई 1993 को अहमदाबाद में हो जाती है। अब आगे शमशेर बहादुर सिंह की काव्यगत विशेषताएं विस्तारपूर्वक उदाहरण सहित निम्नलिखित हैं। दोस्तों काव्यगत विशेषताएं लिखने से पूर्व आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, लोगों को शेयर करना ये अवश्य करते रहें, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप हिंदी के ही विद्यार्थी हैं और मेरा ये चैनल ख़ास तौर से हिंदी के बीए और एमए वाले विद्यार्थियों के लिए हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि अपना पूरा सपोर्ट दिखाएँ। शमशेर बहादुर सिंह की सबसे पहली काव्यगत विशेषताएँ होगी अनुभव के रूमानी कवि। जी हाँ, शमशेर बहादुर जी ने अपनी कविताओं में अपनी निजी संवेदनाओं को व्यक्त किया है। अपने जीवन तथा परिवेश में जो कुछ भी घटित होता देखते, उन्हीं को वो काव्य का आधार बना लेते, काव्य का विषय बना लेते और काव्य की सृजन करते। उनकी अनुभव से भरी कविताओं में रूमानी की झलक भी देखी जा सकती है। कहने का मतलब, जो उन्होंने अनुभव करके जितने भी काव्य रचनाएं रचे उनमें रोमांस की झलक भी हमें देखने को मिलती है। तो इस बिंदु पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो बहुत ही छोटा सा बिंदु है जो आपके लिए याद करने के लिए भी काफ़ी आसान रहेगा, बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी, इस उदाहरण को आप लोग लिख सकते हैं। उनकी अगली काव्यगत विशेषताएँ हैं लय की अनुभूति। शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं में एक विशिष्ट प्रकार की लय अर्थात गति होती है, जिसको पढ़कर पाठक
आनंदित हो जाए। काव्य में लय प्रदान कराना शमशेर बहादुर की प्रमुख विशेषता रही है, जो उनकी अनुभूतियों का कारण हुआ। दिल के सीने में तड़पता है जैसे हवा में कोई सिसकता है, तो इस उदाहरण को आप लोग इस बिंदु पर लिख सकते हैं। उनकी अगली काव्यगत विशेषताएं हैं, जो कि बहुत बड़ी विशेषता है। शमशेर बहादुर सिंह पर हो सकता है आपको ये एक प्रश्न बनकर पूछा जाए कि शमशेर बहादुर सिंह के काव्य में प्रेम और सौंदर्य का वर्णन कीजिए। ये एक बहुत बड़ी टॉपिक है, इस पर हम लोग किसी अन्य वीडियो पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम उनकी काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसको हम लोग एक काव्यगत विशेषता मानकर चल सकते हैं, जो कि खुद में ही एक बड़ा प्रश्न भी है। शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं में प्रेम और सौंदर्य का वर्णन हमें देखने को मिलता है, जो कि उनकी सबसे बड़ी काव्यगत विशेषताओं में से एक रही है, क्योंकि उनके काव्यों में प्रेम और सौंदर्य का एक अद्भुत झलक हमें देखने को मिलता है। शमशेर बहादुर सिंह का मानना था कि प्रेम और सौंदर्य में नज़दीकी संबंध है, क्योंकि जहाँ पर हम राग भाव पाते हैं वहीं सौंदर्य जन्म होता है। अनुभूति के स्तर पर प्रेम ही दूसरे अर्थों में सौंदर्य है। तो यहाँ पर मैंने दो उदाहरण दिया है, आप चाहे तो दोनों को लिख सकते हैं या किसी एक को भी लिख सकते हैं। पहला उदाहरण है, इश्क की इंतहा तो होती है, इश्क की इंतहा तो होती है, दर्द की इंतहा नहीं होती। इस उदाहरण पे केवल आपको प्रेम की झलक देखने को मिल रही है, लेकिन अगला जो उदाहरण है यहाँ पर प्रेम और सौंदर्य दोनों का समावेश आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ये उदाहरण आपके लिए ज़्यादा सटीक रहेगा। और पहुँच कर वहीं अपने प्रेम की बाहों में बाहें डाल दी मैंने, और उस सीमा पर खड़े हुए हम दोनों प्रसन्न थे, अमर सौंदर्य का कोई इशारा एक तीर। उनकी अगली काव्यगत विशेषताएं हैं बिंब और शिल्प के महाकवि। जी हाँ, शमशेर बहादुर सिंह को बिंब एवं शिल्प योजना के महाकवि के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अपने पास जो कुछ भी देखा उसी को काव्य का विषय बना दिया। बिंब और शिल्प के बड़े ही माहिर कवि थे। कहने का तात्पर्य कि वे अपने नज़दीकी अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते उसी को वो काव्य का विषय बना देते हैं, और इस मामले में वे बड़े माहिर कवि थे। उन्होंने लगभग सभी प्रकार के बिंबों का प्रयोग किया, जैसे नाद बिंब, रूप बिंब, दृश्य बिंब, गति बिंब, प्रकृति बिंब आदि आदि। ये बिंबों के प्रकार है और उनकी कविताओं में लगभग सभी प्रकार के बिंबों का प्रयोग हुआ है। मैं चाहूँ तो आपको इन बिंबों का अर्थ भी समझा सकता हूँ, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम रहने देते हैं। यहाँ हम लोग प्रकृति बिंब का एक उदाहरण देख सकते हैं। एक नीला आईना बैठो सी ये चांदनी, और अंदर चल रहा हूँ मैं उसी के महातल मौन में। अगला, राग और प्राकृतिक चित्रण। शमशेर की कविता रागात्मक की कविता है। उन्होंने प्रकृति का बड़ा ही मनोहर चित्रण अपने काव्य में किया है, जिसमें राग भी विद्यमान है, अर्थात उनकी काव्य को संगीत की तरह गाया भी जा सकता है। राग से तात्पर्य है कि उनकी कविताएं जो है उसमें रागात्मकता है, जिसको संगीत की भांति हम लोग गा भी सकते हैं। और राग और प्रकृति का इन्होंने बहुत ही सुंदर समावेश कर काव्य की रचनाएँ की है। उदाहरण सहित आप लिख सकते हैं कि मैंने शाम से पूछा या शाम ने मुझसे पूछा इन बातों का मतलब, मैंने कहा शाम ने मुझसे कहा राग अपना है। यहाँ शाम होना चाहिए, गलती से श्याम लग गया है, इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। छठी काव्यगत विशेषताएं लोक मंगल की भावना। जी हाँ, जहाँ शमशेर बहादुर सिंह एक ओर तो प्रेम के काव्य लिखते, सौंदर्य के काव्य लिखते, रोमांस और प्रकृति चित्रण के काव्य लिखते, वहीं दूसरी ओर इनकी काव्य में लोक कड़ियाल की भावना भी देखी जा सकती है, लोक मंगल की भावना देखी जा सकती है। आप उदाहरण सहित देख सकते हैं, हृदय गरीब के हृदय तंगे हुए की रोटियां लिए हुए निशान। फिर आप बातों को आगे कंटिन्यू रखिए, उन्होंने मानवीय जीवन के वास्तविक संघर्ष आदि को अपनी कविता में दिखाया है। यहाँ काव्य होना चाहिए था, मैंने कापी लिख दिया, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप उदाहरण लिख सकते हैं कि वकील करो अपने हक के लिए लड़ो, नहीं तो जाओ मरो। सातवीं काव्यगत विशेषताएं राष्ट्रीय चेतना। शमशेर बहादुर सिंह की आरंभिक कविताओं में देश प्रेम एवं राष्ट्र प्रेम की भावना देखी जा सकती है। उन्होंने अपने काव्य में
तत्कालीन ब्रिटिश शासन के क्रूरता का यथार्थ चित्रण किया है। उदाहरण सहित आप लिख सकते हैं, यह शाम है कि आसमान खेत है, आपके हुए अनाज काल पक उठी लहू से, भरी दरातियाँ की आग धुआं धुआं, सुलग रहा ग्वालियर के मजबूर का हृदय। तो इस उदाहरण को आप लोग लिख सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं जो है वो थोड़ी कठिन होती है, उनको पढ़कर उसके भाव को समझना पाठकों के लिए थोड़ा चुनौती है, परंतु कोई नहीं। अब उनकी सात्विक काव्यगत विशेषताएं देखते हैं। सामाजिक चेतना। शमशेर बहादुर सिंह का मानना था कि व्यक्ति अपने आप में समाज का ही एक अंश है। उन्होंने अपने काव्य में सामाजिक व्यवस्था का कटु यथार्थ का चित्रण किया है, समाज में व्यक्ति के महत्व को दिखाया है। वे लिखते हैं, मैं समाज तो नहीं, न मैं कुल जीवन, कण समूह में हूँ, मैं केवल एक कण। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। नवी काव्यगत विशेषताएं हैं, संघर्ष के हिमायती कवि। जी हाँ, शमशेर की काव्य अनुभूतियों की काव्य तो है ही, जो पाठक को जीवन के तमाम मुश्किलों से संघर्ष कराने को प्रेरणा भी देती है। कहने का तात्पर्य कि उनके कविता को पढ़कर पाठक को अपने जीवन रूपी कष्टों से संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। वे लिखते हैं, काल तुझसे होड़ है मेरी, अपराजित तू तुझ में अपराजित मैं वास करूं। उनकी अगली काव्यगत विशेषताएँ होगी, निराला का प्रभाव। शमशेर बहादुर सिंह महाकवि निराला जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, अतः उनकी काव्य में निराला जी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। वे निराला जी के विषय में लिखते हैं कि भूल कर जब राह भटका में, तुम्हें झलके हे महाकवि, सगन तम की आँख बन मेरे। तो ये पंक्तियाँ उन्होंने निराला जी के लिए लिखा था। अगली उनकी काव्यगत विशेषता है, या फिर कहूँ कि उनकी काव्य की दोष है, उलझनों से भरी कविता। जैसे कि मैंने कहा कि शमशेर बहादुर सिंह की कविता पाठक के लिए थोड़ी बहुत चुनौती भी है, तो ये एक प्रकार से उनकी कविता की दोष भी है। अब देखिए इसमें लिखिए आप, क्योंकि शमशेर बहादुर अपने काव्य में बिंब उपमान एवं प्रतीकों, यहाँ बिंब के जगह बिंदु लग गया है, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, बिंब होगा, बिंब उपमान एवं प्रतीकों का अधिक प्रयोग करते थे, जिस कारण उनकी कविता को समझने में पाठक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। उनकी काव्य में अभिव्यक्ति का अधूरापन साफ दिखाई देता है, अर्थात उनकी कविता उलझनों से भरा पड़ा कविता है। उन्होंने अपने काव्य में नवीनता लाने के लिए जिन शब्दों का चुनाव किया वो पाठक के लिए चुनौती बन गया, अर्थात काव्य को पढ़कर उसका सटीक अर्थ निकालना पाठकों के लिए मुश्किल हो गया। वे अगर क्रांति की बात करते, समाज की बात करते, राष्ट्र की बात करते, जीवन की भी बात करते, तो यहाँ पर आप लोग कॉमा लगा दीजिएगा, क्रांति, समाज, राष्ट्र, जीवन पर, तो वे इन विषयों पर भी बात करते तो उनमें अपने निजी चीज़ या फिर प्रकृति का सहारा लेते, अर्थात कुछ कुछ चीज़ों का, निजी चीज़ों का या फिर प्रकृति के चीज़ों का वे बिंबात्मक वर्णन करते हैं, तो जिससे उनके प्रतीकों के द्वारा उनके काव्य के सटीक अर्थ को समझना थोड़ा कठिन होता था। जिन प्रतीकों का वे प्रयोग अपने काव्य में करते उससे काव्य के भाव को समझना थोड़ा कठिन होता है। परंतु ये उनकी एक छोटी सी दोष है, लेकिन उनकी कविता बहुत ही जानदार कविता है। लास्ट में आप लोग लिखिएगा कला पक्ष। शमशेर नई कविता के कवि थे और भाषा की दृष्टि से वे हिंदी और उर्दू के दोआब कवि थे, मतलब हिंदी और उर्दू के बीच के कवि थे। उनकी काव्य में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त संस्कृत के तत्सम तद्भव और अंग्रेजी का प्रभाव भी, मिश्रण भी देखा जा सकता है। वे प्रतीकात्मक शैली, बिंबात्मक शैली में काव्य लिखते थे। शमशेर जी प्रतीक और बिंब का प्रयोग कर अपने काव्य में चमत्कार प्रदर्शन करते थे। तो दोस्तों यहाँ सेंटेंस पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, शमशेर जी प्रतीक और बिंब होगा, भीम लिख दिया मैंने, के प्रयोग कर ठीक है, अपने काव्य में चमत्कार प्रदर्शन करते थे, आप लोग ऐसा लिखिएगा। उनके शब्द चयन को समझना पाठक के लिए थोड़ा कठिन है,
वे काव्य में मुहावरों का भी अधिक प्रयोग करते थे। तो इतना लिख देंगे तो काफ़ी है। दोस्तों मैंने बहुत ही संक्षिप्त में आपको शमशेर बहादुर सिंह की काव्यगत विशेषताओं को बताया। अगर आपके परीक्षा में शमशेर बहादुर सिंह की काव्यगत विशेषताएं पूछे, काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां पूछे, शमशेर बहादुर सिंह का काव्य सौंदर्य पूछे या फिर शमशेर बहादुर सिंह का काव्य सौष्ठव पूछे, आप इस विषय को निश्चित रूप से लिख दीजिए, आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर जाएंगे, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। ये मिनिमम आपका 4 पेज तो होगा ही होगा। तो ये अगर 15 या 20 मार्क्स का प्रश्न पूछे तो उसके लिए भी ये पर्याप्त है। आशा करता हूँ शमशेर बहादुर सिंह की काव्यगत विशेषताओं को आपको समझ में आया होगा, और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद शमशेर बहादुर सिंह की काव्यगत विशेषताओं को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों बहुत जल्दी आप सभी से किसी अन्य नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।